अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसे ही वीडियो के माध्यम से मैं आपकी समस्या का उपाय अवश्य बताऊंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश जानी। मेरी चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, हर दिन की तरह छोटी अपेक्षा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो को काट काट के नहीं देखेंगे, उपाय को ठीक से समझेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा ये पहला वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सबसे ऊपर वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। कमेंट बॉक्स में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखे। दोस्तों, लाइक करे ना करे, भगवान राम का नाम अवश्य लिखे, जय श्री राम आप अवश्य लिखेंगे। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो उपाय के फायदे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आप उपाय करें, फायदे आप देखें। मैं सिर्फ उपाय बताऊंगा आपको। उपाय छोटा है, ज्यादा दिन करना भी नहीं है। दोस्तों, पहले देख लेते हैं, कुछ कमेंट आई है। एक कमेंट है, एक मिनट प्लीज, एक कमेंट का जवाब दे देते हैं। ज्योति जैन, बुध को बैलेंस करना है, बुध ग्रह को कैसे बैलेंस करें? जन्म पत्री में, बर्थ चार्ट में बुध नहीं है तो कैसे बैलेंस करें? ज्योति जी, आपने लिखने में थोड़ी गलती कर दी थी, ठीक है, कोई बात नहीं। बुध पर्वत को कैसे बैलेंस करें लिखा था आपने, बुध ग्रह को बैलेंस करना है। बुधवार के दिन एक माला करें 108 बार। ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, एक माला करें बुध के मंत्र की। बुधवार के दिन बिना भूले गाय को पालक खिलाए, पालक नहीं मिलती है तो हरी सब्जी खिलाए। अगर आपकी अगल बगल में कहीं गाय नहीं है तो पालक या तो हरी सब्जी का शिव मंदिर में दान करें। शिव मंदिर के बाहर जहाँ नंदी देव है, नंदी देव के पास ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला करके हरी सब्जी रख दे। पालक है तो पालक रख दे, गाय नहीं मिलती है तो। मंगलवार की रात को आपकी एक मुट्ठी मूंग की दाल एक कटोरी में रखे, पानी डाल दे, आपके सर के पास ये कटोरी रखे। बुधवार के दिन सुबह में पानी छान ले, मूंग की दाल थोड़ी सूखी हो जाए बाद में, कोई भी हरे पेड़ के नीचे जाके उसे बिखेर दे, कांटे वाले पेड़ के नीचे ना डाले। नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कोई भी पेड़ के नीचे जाके आप मूंग की हरी दाल बिखेर दे। हो सके तो बुधवार का व्रत करें, बुधवार के दिन आप उपवास करें, सूर्यास्त के बाद खाना खाए, दिन में चाय दूध फ्रूट ये सब ले सकते हैं। आप इतना करें, फायदा अवश्य होगा। दिल से करें, विश्वास से करें। कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी भाई बहन सभी को बोलता हूँ, कोई भी उपाय करते हैं आप श्रद्धा रखें, विश्वास रखें। दूसरी कमेंट थी तनुष बाली, लंबी बीमारी दूर करने का बढ़िया उपाय बताइए। दोस्तों, मैंने मेरे 4-5 वीडियोस में एक बात बोली है, लिंक भी रखी है डिस्क्रिप्शन में। मेरी दूसरी चैनल है
हेल्थ टिप्स बाय जानी। आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे चैनल का नाम भी लिखता हूँ और लिंक भी रखता हूँ, आप लिंक को ओपन करें। आपकी सभी बीमारी की दवा आपके रसोई घर में है। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 10-12 वीडियो है, 1 महीने पहले ही चैनल बनाई है, मगर आप वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ वीडियो देखें आप। दोस्तों, आप सभी ने जो प्यार मुझे इस चैनल पे दिया है, आप सभी से अपेक्षा रखता हूँ कि वही प्यार आप सभी भाई बहन मुझे वो चैनल पे भी देंगे। वहाँ भी आप कमेंट करके, आपकी कोई भी बीमारी है आप कमेंट करके मुझे बताएं, आपको उपाय वीडियो के माध्यम से ही मिल जाएगा। तनुष बाली, फिर भी मैं आपको एक दो उपाय बता देता हूँ। फिटकरी का टुकड़ा ले आप, कूटकर पाउडर कर दीजिए। जितना फिटकरी का पाउडर आपने किया है उतना ही नमक डालें, एक कांच की बोतल में भर के रख दें। हर दिन स्नान के पानी में, आपके स्नान के पानी में ये फिटकरी और नमक वाला 3 चुटकी पाउडर डाल के स्नान करें, वो पानी से आप स्नान करें। उपाय दूसरा, जब भी आप पानी पीते हैं तब पानी को देखकर बोले, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। 3 बार बोले, बाद में ये पानी पिए, पानी को फेंकना नहीं है, जितना पीना है उतना ही ले, पूरा पानी पी जाए। तीसरा उपाय, तनुष बाली, फिटकरी और नमक का पाउडर आपके तकिए के नीचे रखे, रात को छोटी पूड़ी बना के 1 चुटकी सुबह में उठने के बाद नाली में बहा दे, टॉयलेट में बहा दे वो पाउडर को। रात को सोते हैं तब आपकी दोनों हथेली देख के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बार ओम नमः शिवाय बोले, हथेली को अपने मुंह पे रखे 1 मिनट, बस आराम से सो जाए। आप इतना करें, मगर अपेक्षा रखता हूँ आप मेरी दूसरी चैनल पे जाएंगे, वो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ भी आप वीडियो देखेंगे। दोस्तों, देख लेते हैं आज का उपाय। ये उपाय आप हर मंगलवार के दिन करेंगे, कम से कम 3 मंगलवार करें आप उपाय, कम से कम 3 मंगलवार आप ये उपाय करें। बाद में आपको लगता है कि नहीं, मेरे सभी काम बन रहे हैं, आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी इच्छा है वो पूरी हो रही है, जीवन में सब बाधाएं दूर होती जा रही है, तो उपाय चालू रखें। कब तक? जब तक आपकी सभी मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक, मगर कम से कम 3 मंगलवार उपाय करें। 3 मंगलवार में आप देखेंगे कि एक पत्ता कैसा कमाल करता है जीवन में। दोस्तों, मदार, आंख, आंकड़ा, एक पत्ता लाना है मदार का आपको। मंगलवार के दिन सुबह में स्नान करने के बाद आप मदार के पेड़ के पास जाए, थोड़ा दूध ले जाए, मदार की जड़ में दूध अर्पित करें, पेड़ को प्रणाम करें, एक मदार का पत्ता तोड़ के ले आए, घर लाने के बाद
मदार के पेड़ के पत्ते की जो बाहर की बाजू है, हल्दी और दूध मिला के आप पेस्ट बनाए। बाहर की बाजू है, ये अंदर की बाजू हो गई, ये बाहर की बाजू है, पूरी जगह पे पेस्ट लगा दे। इस पत्ते को आपके सामने रखे, आपकी पूजा कक्ष में लाल वस्त्र के ऊपर 108 दाने गेहूं के लेने हैं आपको। 108 दाने गेहूं के ऐसी कटोरी में गिन के आप 108 दाने गेहूं के लेंगे। इस पत्ते के ऊपर थोड़ा गुड़ रखे, एक गुड़ का टुकड़ा रखे। एक गेहूं का दाना अपने हाथ में ले, उंगली में, अनामिका और अंगूठे से एक दाने को पकड़े। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। एक बार मंत्र बोल के जो गुड़ रखा है अपने पत्ते के ऊपर, वहाँ एक गेहूं का दाना आप रख दे। दूसरा दाना उठाए, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, दूसरा दाना रखे। 108 दाने गुड़ का टुकड़ा आपने मदार के पत्ते के ऊपर रखा है, वहाँ 108 दाने गेहूं के रख दे। बाद में ऐसा बीड़ा बनाए, इसमें 108 दाने गेहूं के है, हल्दी की पेस्ट है, दूध से जो पेस्ट बनाई वो हल्दी की पेस्ट लगाई है, 108 दाने गेहूं के है और गुड़ का टुकड़ा है, लाल धागे से इसे बांध ले। दोस्तों, साथ में शुद्ध घी का दीपक जलाना है आपको, अग्नि साक्षी प्रयोग करना है। घी नहीं है शुद्ध घी तो कोई भी तेल से, किसी भी चीज़ से आप दीपक जलाए। जब दीपक बुझ जाए बाद में ये बीड़े को वहाँ से उठा लें। जिस मदार के पेड़ से आप बीड़ा पांच पत्ता तोड़ के लाए थे वहाँ जाके रख दें। मगर जब 108 बार आप जाप कर ले बाद में, ये बीड़ा बनाए उनसे पहले आप हाथ जोड़े, आपकी जो भी कोई मनोकामना है, आपकी जो भी कोई इच्छा है, जो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, कोई काम में बाधाएं आ रही हैं, कोई चीज का अभाव है आपके जीवन में, प्रार्थना करें वीर हनुमान को, बजरंग बली को। बाद में ये बीड़ा बना के वो जहाँ से पत्ता तोड़ा था वो मदार के पेड़ के नीचे जाके रख दे। तीन मंगलवार उपाय करें दोस्तों, तीन मंगलवार, फायदा होता है, बदलाव आता है जीवन में, तो दूसरे तीन मंगलवार, अगर चाहते हैं तो तीसरे तीन मंगलवार, मगर कम से कम उपाय चालू करते हैं तो तीन मंगलवार आप ये उपाय करेंगे। दोस्तों, तीन मंगलवार उपाय करने के बाद आपको करना है तो दूसरे तीन मंगलवार आप अवश्य पूरे करें। बस दोस्तों, आज यहीं पे मेरी बात को विराम देता हूँ। वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।